नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। वाराणसी के मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाने वाले अजय शर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया है। बुधवार रात 2 बजे शर्मा मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाने के लिए घर से निकले थे। सूचना पर सादीवर्दी में पुलिस पहुंच गई और बीच रास्ते से उन्हें उठा ले गई। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया, शांति भंग में सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले शर्मा के घर वालों ने आरोप लगाया था कि रात 2 बजे मेदागिन चौराहे से नीली कार से आए कुछ युवक उन्हें उठा ले गए। उनके दोनों मोबाइल नंबर ऑफ हैं। अजय शर्मा को हिरासत में पुलिस ने चित्तईपुर थाने में रखा। गुरुवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद थाना प्रभारी चित्तईपुर संजय मिश्रा ने दवा दिलवाई। चौक स्थित आनंदमय मंदिर से अजय शर्मा ने साई की मूर्ति हटवाई थी। आज मंदिर के पुजारी ने चौक में अजय शर्मा के खिलाफ तहरीर दी है। अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दोपहर में करीब 12 बजे चित्तईपुर थाने से पुलिस अजय शर्मा को चौक थाना लेकर निकली। तब मीडिया से बातचीत में अजय शर्मा ने कहा, यह मुहिम चलती रहेगी, शिव भक्त डरेगा नहीं, हर हर महादेव। साईं बाबा की मूर्ति हटाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। शिरडी साईं ट्रस्ट महाराष्ट्र ने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सपा ने कहा, आखिर कब तक ऐसे मंदिर मस्जिद भगवान और साईं बाबा पर बात होगी। सनातन रक्षक दल ने 1 अक्टूबर को वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई थी। उनका दावा है कि अभी 60 और मंदिरों की लिस्ट है। इधर लखनऊ में भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिरों से साई मूर्तियों को हटाने की मांग की है। कहा, मंदिरों में साई मूर्तियों को स्थान नहीं दिया जाएगा। सनातन रक्षक दल के पदाधिकारियों ने बताया, बुधवार रात 2 बजे अजय शर्मा मजदूरों की तलाश में निकले थे। उन्होंने दशाश्वमेध के भूतेश्वर महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साई मूर्ति हटाने का ऐलान किया था। इन मूर्तियों को गुरुवार तड़के हटाया जाना था, जिसके लिए कुछ करीबी लोगों को मंदिर के बाहर बुलाया था। जब वो लोग पहुंचे, तब तक अजय शर्मा को कार सवारों ने उठा लिया। शिरडी साईं ट्रस्ट का कहना है, हमने अपनी महाराष्ट्र सरकार से बात की है, कहा है कि यूपी सरकार से इस मामले पर बातचीत करे, मूर्तियां हटाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। ऐसे कार्य से साईं भक्तों की भावना आहत हो रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।